झुरमुर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेशेंट का इलाज करने से पहले कंसेंट लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज वेल एज जनरल कंसेंट। फ्रेंड्स, एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से कुछ भी करने के पहले मेडिकल प्रोफेशनल का ये एक ड्यूटी बनती है कि वो उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताए कि उसको क्या रोग है, उसको ये बताए कि उसका क्या इलाज किया जाएगा और उस इलाज की नोटिंग भी फाइल में दिन प्रतिदिन और हर बार जब भी वो विजिट पे आए और जो भी उसके ऑब्जर्वेशन हो उसको नोट करें। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में और इवन डॉक्टर्स के पास भी अपने पास एक रजिस्टर रहता है जिसमें ये नोट किया जाता है कि क्या डायग्नोज हुआ, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या क्या आगे स्टेप्स हो गए, आज उसका बीपी कितना था, आज उसका शुगर लेवल कितना था, आज उसके जो रोग था उसमें कितना सुधार है, ये सारा केस हिस्ट्री बनती है और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड रहता है। इसकी जानकारी लेना पेशेंट का अधिकार होता है। पेशेंट चाहे तो उस फाइल को पढ़ सकता है, मंगा कर देख सकता है और यदि उसको आवश्यकता हो किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने तो उसकी फोटोकॉपी भी परमिशन से ले सकता है। ये उसका अधिकार है, ये है उसकी कंसेंट और उसकी जानकारी होना, उसको इन्फॉर्मेशन होना कि उसको क्या रोग है और क्या ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और कई ऐसे इंजेक्शंस भी होते हैं जिससे एलर्जी की संभावना होती है, वो उसका एलर्जी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी डॉक्टर्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो रोगी को ये बताए कि हम ये इंजेक्शन लगाना चाहते हैं और इसमें एलर्जी की संभावना हो सकती है और उसका एलर्जी टेस्ट भी हम कर रहे हैं। दूसरी स्थिति होती है जब आपको कोई ऑपरेशन करवाना होता है, ऑपरेशन से पहले आपको बताया जाना चाहिए कि आपका ऑपरेशन किस बात का हो रहा है, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या संभावना हो सकती है, कितना वो ठीक हो सकता है, कितना ठीक होने की संभावना नहीं है और यदि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। ऐसा एक फॉर्म सभी हॉस्पिटल्स में एक बना होता है जिस पे आपसे हस्ताक्षर लिए जाते हैं, ये होती है आपको इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड आपकी कंसेंट। तीसरी स्थिति वो होती है जब एमरजेंसी में आप हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति होती है जो कंट्रोल से बाहर होती है और उस समय अचानक आपका ऑपरेशन करना आवश्यक होता है और ऑपरेशन के दौरान आपसे कंसेंट ले ली गई किंतु ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि इसमें पेशेंट को बचाने के लिए कुछ और करने की भी आवश्यकता है। जैसे किसी महिला को बहुत ब्लीडिंग होने पर उसके यूट्रस को रिमूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यदि महिला की जान को बचाना है तो उसके लिए डॉक्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे और डॉक्टर से भी इस बारे में परामर्श कर ले, उनकी राय ले ले कि इसके अलावा कोई और भी विकल्प है क्या। यदि कोई विकल्प नहीं होता तो नोटिंग करे, फाइल में नोटिंग करके अपनी ओपिनियन लिखे। अपनी ओपिनियन लिखने के बाद बाहर बैठे उस पेशेंट के रिश्तेदारों से कंसेंट लेना भी बहुत अनिवार्य होता है और उनको बताया जाना बहुत ज़रूरी होता है कि अब वो उसकी टांग को काटने जा रहे हैं या यूट्रस को रिमूव करने जा रहे हैं। यदि महिला के कोई बच्चा नहीं है तो यूट्रस रिमूव करना एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है, इसके लिए उनके रिश्तेदारों को या पेशेंट को तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस इसी बात के लिए आते हैं कि हमें बताया ही नहीं गया और हमारा ये रिमूव कर दिया गया, हमारे साथ ये कर दिया गया, हमारा ये ऑपरेशन नहीं होना था ये हो गया, हमारा राइट साइड के कान का ऑपरेशन होना था लेफ्ट साइड का कर दिया। ये जो स्थिति है ये आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट में नहीं आएगी। यदि आपसे कंसेंट ली गई है कान के ऑपरेशन का और दूसरे वाले कान का ऑपरेशन कर दिया तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। ये इन्फॉर्म न करना या इन्फॉर्मेशन न लेना या कंसेंट न लेना नहीं माना जाएगा, इसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस मानेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी एज ग्रुप के पेशेंट को पर्टिकुलर एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, या कोई डिजीज होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है तो जनरल एनेस्थीसिया देना है या नहीं देना है, या उस पार्ट को ही सुन करके इंजेक्शन देके सुन करना है, ये सारे निर्णय डॉक्टर्स को लेने होते हैं। यदि डॉक्टर ने इन्फॉर्म नहीं किया है और कंसेंट नहीं लिया है और अपना निर्णय स्वयं ले लिया है तो इसको भी मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे। तो फ्रेंड्स,
हमारी इस चर्चा के बाद यदि आपको लगे कि आपको कुछ उपयोगी बातें पता चली हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।